सभी भक्तगणों को राम राम। और इस पूरे प्रसंग में सुंदर कांड की चौपाइयां अर्थ सहित आपको समझाएंगे भगवान श्री राम। ओहान साचिर रहे ससंका, जब तेजार गयहु कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहि विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। उधर लंका में जब से हनुमान लंका को राख करके चले आए, तब से दानव बहुत ही भयभीत रहने लगे और सभी अपने अपने भवनों में बैठकर सोचने लगे कि अब दानवों के वंश की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं हो सकता। जासो दूत बल वर्णन जाई, ते आए पुर कवन भलाई। दूत ही सन सुने पुर जनवानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत की शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता, वो बेजोड़ है। लंकापुरी में स्वयं उनके आ जाने पर हमारी क्या हालत होगी। मंदोदरी कह रही है कि जब हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं तो राम कितने शक्तिशाली होंगे। और अपने संदेश वाहक सेविकाओं से नगरवासियों की आकांक्षा मतलब भय की जो स्थिति है वो जानकर मंदोदरी बहुत ही चिंतित हो रही है। रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोले वचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हिय हिय धरहु। वह अपने पति जो लंका के राजा हैं रावण को एकांत में कर जोर मतलब हाथ जोड़ रही है, पैर छू रही है, नीति संगत वाणी में बोल रही है कि हे प्राणनाथ, श्री राम से भगवान श्री राम से शत्रुता का मार्ग छोड़ दीजिए और बात को अपने लिए अत्यंत लाभदायक समझकर मान लीजिए। मंदोदरी रावण से कह रही है, समुझत जासु दूत कह करनी, सर्वत्र ही गर्व रजनी चर धरनी। तासु नारे निज सचिव बुलाई, पठौ कंत जो चहु भलाई। जिसके दूत भी शक्ति के बारे में सोचते ही राक्षसों का गर्व भय गिर जाता है। जब हनुमान जी ने लंका को जलाया और हनुमान जी ने गर्जना की तो वहां पर राक्षसियों के गर्व गिर गए थे। हे परम प्रिय, यदि सबका भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलवाकर उनकी देखरेख में उस श्री राम की पत्नी जनक नंदिनी सीता को भेज दीजिए। मंदोदरी अंतिम क्षण में भी रावण से ये विनती कर रही थी। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सनौनाथ सीता विनु दीने, हितन तुम्हार संभ अज कीजे। जानकी तो आपके वंश रूपी कमलों के समूह के लिए दुख देने वाली ठंडी रातों के समान यहाँ आई। हे नाथ सुनिए, जनक नंदिनी को बिना लौटाए आपकी रक्षा ब्रह्मा और शिव जी भी नहीं कर सकते। ऐसा मंदोदरी ने रावण को चेताया कि भगवान शिव और ब्रह्मा भी आपकी रक्षा नहीं करेंगे। रामवान अहे गन सरिस निकर निसाचर भेक, जब लग ग्रसतन तब लग जतन करो तज टेक। श्री रामचंद्र जी के वाण सर्पों के समान और दानवों के समूह मेंढक के समान हैं। जब तक वे आकर इन्हें निगल नहीं लेते, उससे पहले ही आप अपनी जिद छोड़कर उससे बचाव का रास्ता ढूंढ लीजिए। श्रवण सुनी सठ ता कर बानी, भेषा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाय नारे कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। अभिमानी और विश्व प्रसिद्ध घमंडी रावण कानों से पत्नी की बातें सुनकर बड़ी जोर से हंसने लगा और बोला कि स्त्रियां सचमुच में डरपोक होती हैं और अपनी भलाई के काम में भी भय करती हैं। तुम्हारा दिल बहुत कमजोर है,
मंदोदरी से रावण ने कहा, जो आवई मरकट कटकाई, जो आवई मरकट मट कटकाई, जिहि विचार निश्चर खाई, कंपई लोक जाक त्रासा, तासु नार सभी तभय बड़े हासा। सुनो प्रिय, रावण अब मंदोदरी से कह रहा है, अगर बानरों की सेना यहाँ आएगी तो बेचारी दानव उन्हें खाकर अपना जीवन बिताएंगे, जिसके भय से लोकपाल गण भी कांपते हैं, उसकी रानी होकर भी तुम्हें भय हो रहा है, यह बड़ी हंसी की बात लगती है मुझको, रावण मंदोदरी से कह रहा है, मूर्ख बालक, मूर्ख रावण मंदोदरी से कह रहा है। अस कहे वे सही ताहे उरलाई, चले उस सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। लंकापति रावण ने ऐसा कहकर मंदोदरी को हृदय से लगा लिया और बहुत प्रेम प्रदर्शित करके अपने राज दरबार को चला गया। मंदोदरी को चिंता हो गई कि हमारे पतिदेव पर विधाता प्रतिकूल हो गया ऐसा लगता है। बैठे हु सभा खबर असिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे से सचिव उचित तन कहू, ते सब हसे मस्त कर रहू। जैसे ही जाकर दरबार में हुए अपने सिंहासन पर रावण बैठा, उसे समाचार मिला कि बानर भालुओं की सेना सागर के उस पार पहुंच चुकी है और उसने अपने मंत्रियों से समाधान के लिए उचित कार्रवाई को कहा। तब मंत्रीगण हंसने लगे और बोले कि बस चुप रहिए, इसमें कार्रवाई करने के लायक धराई क्या है। जिते हु सुरासर तब श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। सबने जब देवों और दानवों पर युद्ध के अनायास ही विजय प्राप्त की तो ये बानर भालू मनुष्य किस श्रेणी में आते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय लोभ और असंतोष अन्य किसी कारण से सच न बोलकर मालिक के अनुकूल ही कुछ बोलते रहते तो ये क्रमशः राष्ट्र देह धर्म इन तीनों का शीघ्र ही सर्वनाश हो जाता। सोए रावण कहूं बनी सहाई, अस्तित्व कर ही सुनाई सुनाई, अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण सी सते नावा। लंकेश के लिए भी वही संयोग बन गया, रावण के मंत्री उसके मुख पर उसकी बड़ा चढ़ाकर गुणगान करते हैं और इसी समय ठीक अवसर देखकर विभीषण ने कहा, अपने बड़े भ्राता के चरण में सिर झुकाकर नमस्कार किया, पुन सिर नाए बैठ निज आसन, बोला वचन पाय अनुशासन, जो कृपाल पूछहि मोहे बाता, मत अनुरूप कहउ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने निर्धारित सिंहासन पर बैठ गया विभीषण, और सलाह मांगे जाने पर रावण की आज्ञा से बोला, हे दयालु, आपने मुझसे यह राय मांगी तो अपनी बुद्धि के अनुसार जन कल्याण की बात सुनाता हूं। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस्व सुमित शुभ गत शुभ नाना, जो पर नारिल लिलार गुसाई, तजउ चयउथ के चंद के नाई। राजनीति कहती है, विभीषण रावण से कह रहा है, राजनीति कहती है कि जो मनुष्य अपना मंगल, अच्छा नाम, सद्बुद्धि और सदगति सहित विभिन्न प्रकार के सुख चाहता हो, हे स्वामी, उसे दूसरों की नारी की ओर देखना उसी तरह छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार लोग चतुर्थी तिथि के चंद्रमा को अमंगल और झूठी बदनामी के डर से नहीं देखते। चौदह भवन एक पते होई, भूत द्रोह त्रष्टई नहीं सोई, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भय कहे उनको।
14 भवनों का भी यदि कोई एकमात्र मालिक हो, वह भी समस्त जीवों से अकारण दुश्मनी करे, तो वह भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता, अर्थात जल्द ही उसका विनाश हो जाता है, नाश हो जाता है। और जो व्यक्ति चाहे कितनी ही गुणों की खान क्यों न हो, वह थोड़ा भी लालची हो तो वह समाज के भले की बात नहीं करता, कोई भी उसे ठीक नहीं कहता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरे रघुवीरई भजऊ भजै जे संत। हे दीनानाथ, काम क्रोध और अहंकार और लालच ये सब प्राणियों को नरक की ओर ले जाते हैं, इसलिए इसको छोड़कर उन श्री राम जी का स्मरण करिए और उन्हें सभी सज्जन पुरुष याद करते हैं। देखिए, काम क्रोध लोभ मोह इनसे आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप किसी लोभ में फंस गए या क्रोध में आ गए तो, और या काम वासना के बस में आ गए तो आपका विनाश निश्चित है। विभीषण रावण को इस तरह समझा रहा है, लेकिन रावण की मति भ्रष्ट हो गई है, रावण अभी समझने को तैयार नहीं है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कलहु कर काला, ब्रह्म अनायस अज भगवंता, व्यापक अजित अनाद अनंता। हे भाई, श्री राम केवल मानवों के राजा नहीं है, वे समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। विभीषण रावण को समझा रहा है, और काल के भी महाकाल हैं वे, ब्रह्मा विकार रहित अजन्मा ऐश्वर्य यश श्री आदि दिव्य गुणों की खान भगवान सर्वत्र विद्यमान है। किसी के द्वारा न जीते जाने योग्य अनादि और अनंत हैं। विभीषण रावण को बड़े प्रेम से समझाता है, गौध्वज देहु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी, जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उस दयानिधि भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं के उद्धार के लिए ही मानव देह को धारण किया है, प्रभु ने अवतार इसीलिए लिया है। तो विभीषण कहता है, भाई सुनिए, वे अपने सेवकों को सुख देने वाले और दुष्टों के दल के नाशक वेद और धर्म के संरक्षक हैं। मैं अभी अपनी वाणी को विराम दूंगा और अगली चौपाइयां अगली वीडियो में अर्थ सहित लेकर आएंगे। और प्रेम से बोलिए सीताराम, राधे कृष्ण, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।